तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था राशन कार्ड सर्विस से रिलेटेड। इसमें मैंने बताया था कि राशन कार्ड की कौन कौन से सर्विसेज आप लोग अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कर सकते हो। इसमें मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि कौन कौन से स्टेट्स का राशन कार्ड अप्लाई हो रहा है, और तभी ये अपडेट भी नहीं आया था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस प्रकार आप लोग राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, और कौन कौन से स्टेट्स का कर सकते हो। सारी ही डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉग इन कर लिया है, और यहाँ पे आप लोगों को उमंग का ऑप्शन मिलेगा। ये जितनी भी राशन कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज हैं ये अभी उमंग में लाइव हो रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले न्यू सर्विसेज के सेक्शन में उमंग का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग उमंग में क्लिक करोगे, आप लोगों को सिंपली अपना फोन नंबर डाल देना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है, आप लोग लॉग इन हो जाओगे। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को सर्च बाय नेम का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है सप्लाई। तो यहाँ पे ये टाइप कर देने के बाद आप लोगों के सामने तीन सर्विसेज आ जाएंगी। पहला तो चंडीगढ़ के लिए है, दूसरा दादरा एंड नगर हवेली के लिए है, और यहाँ पे केरला के लिए है। तो दोस्तों केरला वाली सर्विस में अभी अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ चंडीगढ़ और दादरा एंड नगर हवेली का राशन कार्ड अप्लाई करने का सर्विस लाइव किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग किसी स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, राशन कार्ड डिपार्टमेंट वाले वेबसाइट पे किसी भी स्टेट का, तो आप लोगों को वहां पे ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कम ही स्टेट्स है जहाँ पे ऑफलाइन का तरीका अभी भी अपनाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है राशन कार्ड डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कुछ सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, साथ ही इसका स्टेटस चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो ये जो सर्विस है ये ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस दिया गया है, बट इसे सीएससी पोर्टल में अभी तक लाइव नहीं किया गया है, या फिर उमंग में लाइव नहीं किया गया है। और अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो किसी का राशन कार्ड, तो दोस्तों आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा उसके स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद, वहां पे ऑप्शन मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि लगभग सारे ही स्टेट्स में ये ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने का राशन कार्ड के लिए। हालांकि सीएससी पोर्टल में नहीं दिया गया हो तो उससे मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी फिलहाल तीन सर्विसेज लाइव की गई है, आप लोगों को इन दोनों ही सर्विस में ही काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि केरला वाले सर्विस में अभी तक अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सर्विस पर क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे चंडीगढ़ पर क्लिक करूंगा, और आप लोग देख सकते हो अप्लाई फॉर राशन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग इस पे क्लिक करोगे। अगर आप लोग राशन कार्ड का डिटेल्स फाइंड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, या फिर मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। राशन कार्ड से रिलेटेड काफी अच्छी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग फर्स्ट वाले सर्विस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिए जाएंगे या फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आप लोगों को सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि हेड ऑफ फैमिली, मदर नेम, फादर नेम, ये काफी आसान से डिटेल्स हैं, आप लोग खुद ही फिल कर सकते हो। और फिर आप लोगों को एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे काफी आसान आसान से डिटेल्स मांगी जा रही है, जो कि आप लोग काफी आराम से फिल कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को बैंक रिलेटेड डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, और अपना ऑक्यूपेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग कुछ काम करते हो तो आप लोगों को सिंपली वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आप लोग ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे फिल करना है, और अगर पुराना राशन कार्ड का नंबर है तो आप लोग ये फिल करोगे यहाँ पे। फिर आप लोगों को गैस का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। गैस डिटेल्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग सिंपली नो कनेक्शन को भी चूज कर सकते हो। और फिर आप लोगों को फैमिली मेंबर का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका नाम और उनका डिटेल्स। यहाँ पे ऐड पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे फैमिली मेंबर का डिटेल्स फिल कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोगों को ऐड पर क्लिक करना होगा। फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप लोगों को टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि पहला यहाँ पे आईडी प्रूफ आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, इसमें आप लोग आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। फिर आप लोगों को रेसिडेंट प्रूफ में पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टाइप में एफिडेविट सेलेक्ट कर लेना है, और एफिडेविट यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, जो कि हेड ऑफ फैमिली है जिनके नाम से राशन कार्ड बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पर आप लोग क्लिक करके सारा डिटेल्स देख सकते हो, या फिर आप लोग सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा।
और इस रेफरेंस नंबर से आप लोग स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आप लोगों का ये एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है, आप लोगों को राशन कार्ड अलॉट कर दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से राशन कार्ड की कुछ सर्विसेज लाइव की गई है और यहाँ पे फिलहाल दो ही स्टेट्स को कवर किया गया है, दो ही स्टेट्स का आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार आप लोग किसी अदर स्टेट का भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा जिस भी स्टेट में राशन कार्ड आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सर्विस है ये उमंग में लाइव की गई है, सीएससी पोर्टल में डायरेक्टली लिंक यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि राशन कार्ड की कौन कौन सी स्टेट्स की सर्विसेज लाइव हुई हैं और कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो राशन कार्ड के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।